नमस्कार, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सचिंदा चैनल पर। एसबीडी महाविद्यालय के सभागार में एक पुस्तक का विमोचन हुआ। यह पुस्तक इस बात पर आधारित है कि पुस्तक का जो भाव है, जिस थीम पे यह पुस्तक लिखी गई है, वह उनकी यूरोप यात्रा, जिसमें आदरणीय श्री डॉक्टर शंकरलाल शर्मा जी, दिवाकर भट्ट जी और अन्य साहित्यकार उनके साथ गए। कार्यक्रम के सभी गणमान्य मंचासीन अतिथियों ने मां सरस्वती के सामने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना से हुआ। इसी दौरान महाविद्यालय की बहुत ही टैलेंटेड और प्रतिभावान छात्राएं अजरा और निशा ने सरस्वती वंदना की प्रस्तुति की। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रसिद्ध साहित्यकार दिवाकर भट्ट जी ने की और मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर शंकरलाल शर्मा जी रहे। साथ ही डॉक्टर एनपी सिंह विशिष्ट अतिथि रहे। पूर्व ब्लॉक प्रमुख मालती चौहान जी रहीं। महिला कल्याण विभाग की जिला कोऑर्डिनेटर फरहीन जी रहीं और कार्यक्रम के दौरान धामपुर शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। साथ ही पत्रकार बंधुओं का और समाज के गणमान्य व्यक्तियों का बैच लगाकर स्वागत किया गया। मंच का संचालन डॉक्टर अनिल शर्मा अनिल और दीपेंद्र सिंह चौहान ने किया। जो साहित्यकार लोग थे, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। इसी दौरान कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी मंचासीन अतिथियों ने, शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने डॉक्टर पूनम चौहान द्वारा रचित उनकी पुस्तक मेरी यूरोप यात्रा बनाम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का सफल विमोचन और लोकार्पण किया गया। साथ ही प्रसिद्ध शिक्षाविद, साहित्यकार, समाज में लोकप्रिय डॉक्टर शंकरलाल शर्मा जी ने हिंदी की विशिष्टता, हिंदी की जो हमारे समाज में, हमारे देश में और अन्य देशों में जो हिंदी की अपने आप में एक स्थान है, जो विशिष्ट स्थान है, उसके बारे में लोगों को अपने वक्तव्य से सुशोभित किया। और उन्होंने बताया कि एफिल टावर पर जब वो गए इस यात्रा के दौरान, तो वहां पर जो अंग्रेजी के बाद दूसरी भाषा थी वो हिंदी थी। ये 34वीं पुण्यतिथि तो है, लेकिन एक और है, ये संयोग नहीं है, ये इरादतन है। अरे यायावर रहेगा याद, वो यात्रा संस्मरण था और ये आज की तिथि जानबूझ करके इरादे से, इसी वजह से रखी गई, अज्ञेय जी को श्रद्धांजलि। नंबर एक, वहाँ पहली लाइन थी फ्रेंच में, दूसरी लाइन थी हिंदी में। आपका स्वागत। एसबीडी महाविद्यालय की जो शिक्षिकाएं हैं, उन्होंने डॉक्टर पूनम चौहान जी को सम्मानित किया। इसी क्रम में महिला कल्याण विभाग की जिला कोऑर्डिनेटर फरहीन जी ने डॉक्टर पूनम चौहान जी को उपहार देके सम्मानित किया और उन्हें बहुत बहुत बधाई दी। फरहीन जी महिला कल्याण विभाग में हर दिन कुछ ना कुछ महिला समाज के लिए विशिष्ट कार्य करती रहती हैं और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ के पदाधिकारियों द्वारा डॉक्टर पूनम चौहान जी का स्वागत किया गया। और कार्यक्रम के सफल संयोजक श्री भूपेंद्र सिंह चौहान के संरक्षण में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तत्पश्चात सभी के लिए रात्रि भोज का भी विशेष प्रबंध किया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर पूनम चौहान जी ने सभी गणमान्य व्यक्तियों का सभागार में धन्यवाद किया और उनको शुभकामनाएं दी। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, इसे आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।